फ्रेंड्स, आप लोगों को इस नए ब्लॉग में फिर से स्वागत करता हूं। तो मैं संजीत कुमार, आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं हैजेट फ्लेशर लाइट एंड 360 डिग्री रिफ्लेक्टिंग एलईडी बल्ब का। ये स्पेशली डिज़ाइन किया है हीरो एक्सपल्स के लिए और यह एक्सपल्स के लिए ही बनाया गया है। तो आज इसका करेंगे अनबॉक्सिंग इंस्टॉलेशन अपने बाइक में। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए, चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स को ओपन करने से सबसे पहले मुझे दिखता है ये बिल, जिसमें आपका ये हैजेट का है, जो कि दाम लिखा हुआ है 1449, जो कि आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी। और इसके साथ में एक और बिल है, जो कि एलईडी बल्ब का बिल है, जिसका दाम है, इसमें लिखा हुआ है 699, जो कि इस प्राइस में मुझे मिला नहीं है, बहुत ही कम में मिला है। मैं इसको आपको आगे शेयर करता हूँ। इसके अंदर मेरा दो पैकेट है, एक सिमटेक के हैजेट फ्लेशर का पैकेट है, एक एलईडी बल्ब का पैकेट है। ये जो देख रहे हैं ये है फ्लेशर, और इसके अंदर में है आपका एलईडी बल्ब, कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसका बात करूं तो ये देखिए सिमटेक लिखा हुआ है इसके अंदर। बैक साइड देखने से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये पीछे में आपका लिखा 360 डिग्री रिफ्लेक्टिंग एलईडी बल्ब, और इसका एमआरपी का बात करते हैं, यहाँ पर 1199 रुपया एमआरपी लिखा हुआ है, जो कि मुझे बहुत ही कम में मिला है। बिल के साथ आया हुआ था 699 रुपीस में, लेकिन उससे भी कम में मिला है। ये मुझे मिला है 550 में। इस बॉक्स को खोलने के साथ में दिखाई देता है ये कार्ड, जो कि बल्ब का वारंटी कार्ड है, जो 18/10/2021 को मैं परचेज किया था। इस वारंटी कार्ड को मेरे को 2 साल तक अच्छे से रखना होगा। बॉक्स को ओपन करने से ये निकलता है 4 एलईडी बल्ब, जो इस तरह का है, बहुत ही सॉलिड है, अच्छे क्वालिटी का बना हुआ है। अगर हम इसका एलईडी का बात करें तो इसके अंदर आपका टोटल 27 एलईडी दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 27 एलईडी। इस बल्ब का पावर कंजप्शन का बात करें तो ये बहुत ही कम है, ओनली 3 वाट ईच बल्ब लेता है ये पावर। ये बल्ब आपका क्रॉस पिन बल्ब है, देखिए कुछ इस तरह से, इसका पिन और इसका पिन दोनों आमने सामने नहीं है, थोड़ा सा साइड में है, तो ये क्रॉस पिन बल्ब हुआ जो एक्सपल्स के लिए है। ये जो बॉक्स है आपका हैजेट फ्लेशर का बॉक्स है, इसके साइड में कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, जिसमें आपका एमआरपी लिखा हुआ है 1899, जो कि मेरे को पड़ा है ये 1249 में। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ भी ये वारंटी कार्ड दिया हुआ है, 18/10/2021 से मेरा वारंटी इस पर चालू हो गया है। इस पर भी हमको दो साल का रिप्लेसमेंट वारंटी मिलता है। खोलने से ही हमको इस तरह का बॉक्स मिलेगा, देखिए सिमटेक का है, ये रहा सिमटेक का, इसमें ब्रांडिंग किया हुआ, मॉडल नंबर PNP XPS, मीन्स ये आपका एक्सपल्स का है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपका प्लग एंड प्ले है, किसी तरह का बाइक के अंदर तार काटना नहीं होगा, आप इजी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और बाइक का वारंटी भी नहीं जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सिमटेक का देखिए यहाँ पर सामने लिखा हुआ है, और सबसे बड़ी बात है ये हमारा मेड इन इंडिया है, इंडिया का ही प्रोडक्ट है और फुल्ली वाटर प्रूफ है। और इसके साथ दिया हुआ है स्विच, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर स्विच है, ऑन ऑफ स्विच है, क्वालिटी ठीक ठाक है। और एक छोटा साइज के अंदर अच्छा केबल दिया हुआ है आपको बांधने के लिए, छोटा सा ठीक है। इसका इंस्टॉलेशन करते हैं और आपको दिखलाते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करना है। इसको मैं पैक कर दे रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ बाइक के पास, फिर वहाँ जाकर हम इंस्टॉलेशन प्रॉपर वे में आपको दिखलाएंगे। तो गाइज़ अभी हम बाइक के पास आ गए हैं,
अभी इसका हेडलाइट को ओपन किया जाएगा, उसके बाद इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हम लोग चालू करेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, हम आपको प्रॉपर वे में फुल इंस्टॉलेशन दिखलाएंगे। ये देखिए सामने कनेक्शन कर दिया गया है, यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट दो टो कॉपलर दिया हुआ है। तो सिमटेक का जो ब्लैक कलर का जो कॉपलर आया है वो ब्लैक के साथ कनेक्शन किया जाएगा जो कि 6 पिन का है, और व्हाइट कॉपलर जो दिया हुआ है व्हाइट के साथ होगा जो कि वो 3 पिन का है, 3 पिन के साथ वो कनेक्ट है। तो इस तरह से कुछ इसका इंस्टॉलेशन होता है, दिक्कत का कोई बात नहीं है, ये प्लग एंड प्ले है, बहुत ईजी है। बाइक का हेडलाइट लगा दिए हैं, देखिए कुछ इस तरह का स्टॉक लाइट हमारा जल रहा है। ये जो लाइट जल रहा है, ये बल्ब जो जल रहा है, ये स्टॉक बल्ब जल रहा है, इसका ब्राइटनेस देखिए कुछ इस तरह का है। इसके बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपना सिमटेक का एलईडी बल्ब, फिर उसको दिखाएंगे कैसे वो जलता है। तो अभी बल्ब को चेंज कर दिए हैं, और ये देखिए इसका रोशनी कितना ब्राइट जल रहा है, ये रोशनी बहुत ही तेज है और काफी अच्छा है, पूरा पैसा वसूल। तो गाइज अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।